Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 9, Prakriti Parv Phool Day. ये chapter Veena class 3 new Hindi NCERT का है. चलिए पाठ को शुरू करते हैं. उससे पहले 8 पाठ तक सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ गो थ्रू दैट. ओके, सो इस चैप्टर को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में रीड कर लेते हैं. लेट अस जस्ट सी व्हाट इज़ देयर. जानकी बहुत ही प्रसन्न थी. कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी. ये कहानी एक त्यौहार के बारे में बताती है जिसका नाम है फूलदेई. अब इसमें बच्चे क्या करते हैं वह देखिए. तो जानकी जो कि एक बच्ची है वह बहुत खुश है कि कल वह फूलदेई पर्व मनाने के लिए जाएगी. अगले दिन उसकी ईजा यानी माँ ने सुबह सुबह उठा दिया. नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई. आंगन में पहुंचते ही उसे हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा. अब क्या हुआ, सुबह वह नहा धोकर तैयार हो गई और छोटी सी डलिया यानी टोकरी वह लेकर चली गई. और भी बाकी के दोस्तों के साथ वह मिली, जैसे हेमा, गीता, राधा और बाकी सब. अब सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े. फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है. यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है. फूलदेई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है. क्योंकि यह त्यौहार बच्चे मनाते हैं इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है. यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है. चैत्र मास नव वर्ष का पहला महीना होता है. हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो पहला मंथ होता है वह चैत्र ही होता है. तो इसी में संक्रांति के दिन ये फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है. फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है. चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है. सर्दियों के दिन बीत जाते हैं. उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं. जानकी और उसके मित्रों ने बुरास, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे किए. जैसे ही बसंत ऋतु आती है ठंड का महीना खत्म होने लगता है और पहाड़ियाँ जो हैं वे सभी फूलों से ढक जाती हैं. फिर क्या होता है, जो बच्चे डलिया लेकर फूल तोड़ने गए होते हैं वे कई तरीके के फूल तोड़ते हैं, जैसे बुरांस का फूल, फ्योली का फूल और भी बहुत सारे फूल. अब यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है हर घर के मुख्य द्वार की डेली पर रुकती है, अक्षत और फूल डालती है और गाती जाती है. जो ये बच्चे टोली बनाकर जाते हैं इस टोली को फुलारी कहते हैं. फूल तोड़ने के बाद बच्चे सभी घरों के द्वार पर जाते हैं और जो डेली होती है, डेली यानी जहाँ पे दरवाज़ा होता है उसके बाहर का जगह, उस जगह पर अक्षत यानी चावल के दाने और फूल डालते जाते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं. फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भर भकार, ये देली है बारंबार नमस्कार फूले द्वार. तो इस तरीके की वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ये बच्चे पोयम गाते हैं या गाना गाते हैं. इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो और सबको क्षमा प्रदान करे, आपकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें. तो इस तरीके से बच्चे गीत गाकर और सभी घर के लोगों को शुभकामनाएँ देते हैं. सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है. घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है. फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के स्वरूप में पैसे दिए जाते हैं. जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक जाते हैं पर वे बहुत प्रसन्न थे. जब फुलारी यानी कि बच्चों की टोली आने वाली होती है तो सभी घर के लोग अपनी देहली को लीप कर तैयार करते हैं और बच्चों को बदले में चावल, गुड़ और पैसे भी भेंट स्वरूप देते हैं. इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है. बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं. ये पर्व बच्चे 8 दिन से लेकर महीने भर तक मनाते हैं और जो भी गुड़ और चावल बच्चे इकट्ठा करते हैं उससे वहाँ की जो स्थानीय व्यंजन है, खाने पीने की चीज़ें जैसे हलवा, छोई, वह सब तैयार किया जाता है. व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है. व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं. फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है.
फूल दे एक ऐसा पर्व है जो बच्चों को प्रकृति से जोड़ के रख, जब बच्चे फूल तोड़ रहे हैं तो बच्चे जानते हैं कि प्रकृति का क्या महत्व है, और इस प्रकार ये त्यौहार बच्चों को सामाजिक सद्भाव और प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। यह त्यौहार लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जोड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो इस तरीके से हमने ये फूलदेई पाठ पढ़ा, जिसमें हमने देखा कैसे ये फूलदेई त्यौहार बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है। अब इसकी वर्कशीट को देख लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? त्यौहार परंपराओं से जोड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं, इसीलिए हम त्यौहार मनाते हैं। अगला है, आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो आप अपना बताएंगे, मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। फिर आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? तो आप अपने बारे में बताएंगे, मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, हम दिवाली के दिन दिया जलाते हैं और आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? तो हमें वह त्यौहार बताने हैं जो वसंत ऋतु के आते ही आते हैं भारत में। तो इस ऋतु में होली, रंग पंचमी, बसंत पंचमी, ये कुछ त्यौहार है जो मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। हमने पाठ में देखा था जानकी अपनी माँ को क्या कहती है, ईजा। तो आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं वह बताना है। तो मैं अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती हूँ या बुलाती हूँ, तो आप बताएंगे कि आप क्या कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सोचिए और लिखिए, कुछ प्रश्न है फिर से। पहला है, फुलारी किसे कहते हैं? तो बच्चों की जो टोली फूल लाने के लिए जाती है उसे हम फुलारी कहते हैं। अगला है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो हमने देखा था चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन, जो वहाँ पर फेमस व्यंजन है, वो बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। फिर फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो यह त्यौहार बच्चों को फूलों द्वारा प्रकृति से जोड़ने का कार्य करता है या प्रयास करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे दिया हुआ है भाषा की बात। अब देखो, यहाँ पर दिया है कि ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ टीचर है और वे क्वेश्चन कर रहे हैं पूजा से, और पूजा उसका उत्तर देते हुए अपने मित्रों के बारे में बता रही है। हमें इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना है। देखो, जब हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। यह हम कब लगाते हैं? जब हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जब हम एक वाक्य पूरा कर देते हैं तो हम यह लगाते हैं। अल्प विराम मतलब जब हम एक बात कहकर फिर थोड़ा सा गैप लेते हैं या रुकते हैं, तो वहां पर यह अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह हम तब लगाते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों साइंस क्लियर हैं। अब देखते हैं अध्यापक क्या पूछ रहे हैं। जैसे अध्यापक कहते हैं, तुम कौन हो? तो ये बच्ची कहती है, मैं पूजा हूँ। अब देखो, ये वाक्य कंप्लीट हो गए, मैं पूजा हूँ, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया। लेकिन टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तो ये प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा है। अब टीचर फिर से पूछते हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन है? इसमें भी देखो, ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। आगे ये उत्तर देती है कि मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। तो वाक्य कंप्लीट हुआ, तो पूर्ण विराम। लेकिन देखो, अंजलि, मयंक और निखिल, तीन दोस्तों के बारे में बताना है। तो जब दो दोस्त की बात हो रही है तो हम एक कॉमा लगाते हैं और तीसरे से पहले और लिखते हैं, जैसे अंजलि, कॉमा, मयंक और निखिल। अगर चार दोस्त होते तो लास्ट वाले से पहले हम और लगाते, बाकी सबके बीच में कॉमा लगाते, यानी अल्प विराम लगाते। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को ठीक करना है। हमें एक पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है, कौन सा चिन्ह कहाँ आएगा ये हमें बताना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो ये सामान्य वाक्य है, कंप्लीट हो गया है, तो पूर्ण विराम। फिर वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, तो गौरव के बाद कॉमा, दीपक के बाद कॉमा, ममता के बाद कॉमा नहीं आएगा क्योंकि और आ गया है। फिर
ये वाक्य यहाँ पूरा हो गया है तो पूर्ण विराम, और फिर है क्या आपको भी फल खाना पसंद है। तो क्या हम तभी लगाते हैं जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आई होप आपको क्लियर है। अगला है पता कीजिए, फूलदेई वसंत ऋतु यानी मार्च और अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर तक और हेमंत ऋतु यानी नवंबर से दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो जैसे दशहरा है, ये मनाया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। रक्षाबंधन भी इसी समय में मनाया जाता है। दिवाली ये नवंबर दिसंबर में मनाई जाती है। फिर जन्माष्टमी ये सितंबर अक्टूबर में, नवरात्रि ये भी सितंबर अक्टूबर में मनाई जाती है। तो ये कुछ त्यौहार मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे अवकाश, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अवकाश मतलब होता है छुट्टी, या इंग्लिश में कहते हैं हॉलीडे। तो सभी के स्कूलों में स्टेट वाइज अलग अलग छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक अवकाश है ग्रीष्मकालीन अवकाश, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ जो पड़ती हैं, तो कब से कब तक होती हैं और कितने दिनों तक होती हैं, तो यह डिपेंड करता है किस स्टेट में है। कहीं पर यह 2 महीने की भी होती है, कहीं 1.5 महीने की भी होती है, अधिकतर ये मई या जून में दी जाती है। ऐसे ही बाकी के सभी अवकाश जैसे शरदकालीन, शीतकालीन, मतलब जैसे ठंड के समय में कब अवकाश मिल रहा है आपके स्कूल में, तो ये हर स्कूल का अलग अलग होगा। तो आप उस हिसाब से पता करके और फिर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है, ये हमने पाठ में देखा था। अब आप अपने घर को त्योहारों में सजाने के हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अब आपको बताना है आप किन किन चीज़ों से अपने घरों को सजाते हैं। तो जैसे हम रंगोली बनाते हैं, फूल से सजाते हैं, तोरण यानी दरवाजे पे बनाकर फूलों की पत्तियों की चीज़ें बनाकर और सजाते हैं, लाइट बल्ब्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, है ना। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मेरी कलाकारी, फूल आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु को उपयोग करके तोरण बनाइए। ये इस तरीके से हम फूलों को और पत्तों को यूज़ करके तोरण बना सकते हैं, तो आप भी ट्राई करेंगे ये। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कल्पना कीजिए, अब आपको ये इमेजिन करके बताना है कि ये मधुरानी है यानी मधुमक्खी एक दिन उद्यान में गई, उद्यान मतलब बगीचा या बाग, तो बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन, ये सूरजमुखी के जो फूल आप नीचे देख रहे हैं, और सूरज मामा, और यहाँ पर सूरज मामा भी दिखे। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो आप कुछ भी इमेजिन करके यहाँ कहानी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आप और भी चीज़ें चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मधुमक्खी कह रही होगी नमस्ते आप दोनों कैसे हैं, तो सूरज कहता होगा मैं तो अच्छा हूँ तुम कैसी हो, फिर मधुमक्खी बताती होगी कि मैं तो ठीक हूँ मैं भी अच्छी हूँ, फिर फूल कहते होंगे आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। तो इस कहानी को आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। मधुमक्खी कहती होगी कि आप लोगों की याद आ रही थी इसीलिए आ गई, या फिर आज मुझे बगीचा घूमने का मन कर रहा था इसीलिए आ गई। तो इस तरीके से हम कुछ भी कहानी को क्रिएट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आइए जाने, हमें अलग अलग फूलों के बारे में बताया गया है। तो पहला है बुरांस का फूल। बुरांस का फूल लाल रंग का होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ये गर्मी के मौसम में होता है, ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इसके फूल हिमालय के जो राज्य हैं, जो हिमालय हमारी पर्वत श्रृंखला है उसमें जो जो राज्य आते हैं वहाँ पर हमें ये फूल बहुत देखने को मिलते हैं। अगला है फ्योली। फ्योली जो है ये फूल वसंत के आगमन की सूचना देता है। जैसे वसंत ऋतु आने लगती है तो ये पीले पीले फूल खिलकर तैयार हो जाते हैं। पीले रंग के होने के कारण इन्हें फ्योली रखा गया है इनका नाम। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। यह भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। औषधीय गुण मतलब इसमें भी बहुत सारे दवाइयों वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमें यहाँ पर एक पोयम दी गई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोयम है, चलो रीड करते हैं। सुनो भाई गप। गप मतलब होता है जो हम इधर उधर की बातें करते हैं, जिसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, चीटी चली बाजार को नौमन मल के तेल, ईंट दो बगल में ले ली सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। तो देखो क्या चीटी ट्रेन ले सकती है सर पे, नहीं ले सकती, फिर भी यहाँ पर कहा गया है। तो
ये गप है, मतलब ऐसी बातें जो सच नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे पांच पांच लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। नाव में तो पहली बात नदी कैसे डूब सकती है, नदी में नाव डूब सकती है ना। और जब गधा खजूर के पेड़ पर चढ़ा है तो उसको वहाँ अंगूर कैसे मिलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये गप है तो बच्चे बातें कर रहे हैं। आगे रीड करते हैं। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो ये एक प्यारी सी कविता थी जो हमने रीड की। तो आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमने पाठ 9 प्रकृति पर्व फूल देई को पढ़ भी लिया और इसकी वर्कशीट भी देख ली। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण TV चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।